क्या लगातार बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों से आप भी परेशान हैं? अगर हाँ, तो आपको जल्द ही इससे छुटकारा मिल सकता है। दरअसल सरकार ने ऑटो कंपनियों को ऐसी कार बनाने के लिए कहा है जो पेट्रोल या ईंधन के खर्च को 20% तक कम कर सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियों के निर्माण पर जोर देने की बात हुई। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में ऐसा इंजन होता है जो एक से अधिक तरह के फ्यूल पर काम कर सकता है। ये गाड़ियाँ जिस तरह से 100% पेट्रोल पर चलने में सक्षम होती है, ठीक उसी तरह से 100% इथानॉल पर भी काम कर सकती है, या इथानॉल और पेट्रोल दोनों के मिश्रण से भी ये गाड़ियाँ चल सकती हैं। नितिन गडकरी ने ऑटो कंपनी के संगठन SIAM के साथ हुई बैठक में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को जल्द लॉन्च करने पर जोर दिया। उन्होंने कंपनियों से कहा कि वो ऐसी गाड़ियों को एक साल के भीतर भारतीय बाजार में उतारें। ऐसे में उम्मीदें की जा सकती है कि आने वाले वर्षों में जल्द ही ऐसी गाड़ियाँ भारत के बाजारों में आपको मिल जाए। फ्लेक्स इंजन वाली गाड़ियाँ बायोफ्यूल इंजन वाली गाड़ियों से काफ़ी अलग होती हैं। बायोफ्यूल इंजन में अलग अलग टैंक होते हैं, जबकि फ्लेक्स फ्यूल इंजन में आप एक ही टैंक में कई तरह के फ्यूल डाल सकते हैं। ये इंजन खास तरीके से डिज़ाइन भी किए जाते हैं। इथानॉल एक एल्कोहल की तरह है, जिसे पेट्रोल के साथ मिलाकर फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन गन्ने से किया जाता है, जो हमारे देश में आसानी से उपलब्ध भी है। इथानॉल को अगर पेट्रोल के साथ मिला दिया जाए तो 35% तक कार्बन मोनोक्साइड को कम किया जा सकता है, जो कि पर्यावरण को भी कम प्रदूषित करेगी। आपको बता दें कि भारत अपने 80% जरूरत का तेल विदेशों से खरीदता है, मगर इस फ्लेक्स इंजन के आने से और इथानॉल के इस्तेमाल से भारत की विदेशों से पेट्रोल आयात में कमी आएगी। ऐसे में अनुमान के मुताबिक पेट्रोल 40 रुपये तक आने वाले दिनों में सस्ता हो सकता है, जिससे कि भारत का जो इम्पोर्ट बिल है, यानी कि भारत जो विदेशों से तेल खरीदता है, उसमें गिरावट आएगी और इन पैसों का बाकी के विकास कार्यों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसे में जो तेल के दाम लगातार देश भर में बढ़ रहे हैं, उसे आने वाले वर्षों में नियंत्रित किया जा सकेगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऑलरेडी आई एम ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, आई एम गोइंग टू इशू द ऑर्डर टू द इंडस्ट्री दैट देयर शुड बी ओनली पेट्रोल इंजन विल नॉट बी देयर, देयर विल बी अ फ्लेक्स पेट्रोल इंजन वेयर देयर विल बी चॉइस विद द पीपल दैट दे कैन यूज 100% इथेनॉल और 100% फ्यूल। और अधिक खबरों के लिए लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।